और हमारा काम यही है आग लगाना और आग से खेलना, पहाड़ को जला के हमको एकदम भस्म करना है। उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्रों के जंगलों में जहां वनाग्नि के कई मामले सामने आ रहे हैं, इसी बीच ऐसा ही एक शर्मनाक वीडियो चमोली जिले से सामने आ रहा है, जिसमें तीन युवकों द्वारा जंगलों में आग लगाने और आग से खेलने के साथ साथ पहाड़ को भस्म कर देने की बात अपने वीडियो के माध्यम से सामने आ रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसका पुलिस ने संज्ञान लेते हुए तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार यह वीडियो पांडुआ खाल गैरसैंण चमोली का बताया जा रहा है, जिसमें तीन युवक वनाग्नि को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो भी चमोली पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल की है, जिसमें वीडियो चमोली का ही होना पाया गया। इस वीडियो पर पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार के निर्देश पर पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए तीन युवकों ब्रिजेश कुमार, सलमान और सुखलाल, तीनों बिहार निवासी युवकों को धारा 24 भारतीय वन अधिनियम के तहत सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों युवकों को थाना गैरसैंण ले जाया गया है, जहां पर उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में बताया कि यह वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इन तीनों युवकों को थाना गैरसैंण ले जाया गया है, जहां पर उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में बताया कि यह वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। तो हम लोग जब ना तब आग पे खेलते हैं और इसी काम में आए हैं, पहाड़ को जला के हमको एकदम भस्म करना है, आग लगाना है, जितना भी उसमें पत्ता पुत्ता नीचे गिरा है। और आग से खेलने वालों से कभी टक्कर नहीं लिया जाता है और बिहारी को कभी चैलेंज नहीं किया जाता है। हाल ही में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ युवक दिखाई दे रहे हैं फॉरेस्ट फायर को प्रमोट करते हुए, उसे लगाते हुए। इस पूरी वीडियो का चमोली पुलिस द्वारा स्वतः ही संज्ञान लिया गया और बेसिकली ये घटना पाई गई थाना गैरसैंण क्षेत्र के पांडुआ खाल क्षेत्र की। इसमें जो तीनों लोग वीडियो में दिखाई दे रहे थे, तीनों के खिलाफ थाना गैरसैंण में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। तीनों लोग, जिसमें ब्रजेश सिंह, सुखलाल और सलमान, ये तीनों बिहार के रहने वाले हैं और तीनों के खिलाफ हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। मेरी आपसे अपील भी है कि आप जिस तरीके से फॉरेस्ट फायर के केसेस सामने आ रहे हैं, आप कोई भी इसमें लीन ना हो, क्योंकि ये अपने आप में इससे वन संपदा को नुकसान होता है और ऐसा करने पर आपके खिलाफ या जो भी ऐसा कृत्य करता है उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।